हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सलीम, जा तू फौरन जाकर हकीम साहब को बुला कर ला। जा ना, हकीम साहब को बुला कर ला, जा ना। शादी के लिए कपड़े लाया हूँ, भाभी के साथ बैठकर पसंद कर लेना, जो वापस करने होंगे मैं कर दूंगा। भाभी वो महादू है ना, जो जानवर चराने जंगल जाता है, वो कह रहा था उसने नीम के पेड़ के नीचे उस योगी को बैठे देखा। अय्या, वो आ गया, अभी जाकर उसे लेके आती हूँ घर। मुझे मिले भगत। दादा, दादा, सलमा। बड़े भैया नहीं आए माँ। कब आएगा? बड़े भैया है कहाँ माँ? कहाँ बैठे तप कर रहे हैं वो? मुझे बताओ, मैं जाकर लाता हूँ उन्हें। पता नहीं कहाँ है वो। पंडेवा, जहाँ भी हो सुखी हो। आप घोड़ी पर क्यों नहीं बैठ जाते? इतनी दूर से चलते आ रहे हैं, थक गए होंगे। हम लोग सवारी नहीं करते पाटिल। तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं यहाँ चादर बिछा देता हूँ। नहीं पाटिल, बैठने का वक्त नहीं है, घर पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। कोई चिंता नहीं है बाबा, आप मेरे साथ हैं तो अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, अबू से कहूंगा तो वो भी आप पर विश्वास करेंगे। वादा करो मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, अपने अब्बा से भी नहीं। चांद की दुल्हन। अरे ओ चांद की दुल्हन। जी अब्बू। चांद का कोई पैगाम आया, कोई चिट्ठी पत्र? जी नहीं अब्बू। कहाँ गायब हो गया वो? शादी की इतनी सारी तैयारियां करनी है, अब दिन ही कितनी बाकी हैं बारात ले जाने के लिए, किस किस को जवाब देता रहूं मैं? सारा गांव पूछ रहा है उसके बारे में, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आ, 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 क्या हुआ? क्या हुआ अबू आपको? क्या हो गया अबू आपको? सलीम, जा तू फौरन जाकर हकीम साहब को बुला कर ला। जा ना, हकीम साहब को बुला कर ला, जा ना। जी खाला, मैं अभी बुला के लाया। अबू, अबू, अबू संभालिए अपने आप को। अबू, अरे सुनो सुनो, नबीला के होने वाले दूल्हे को तुम में से किसी ने देखा है? मैंने देखा है। अच्छा, कैसा दिखता है? मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना है वो पूरा पश्चिम देखता है। दीदी, पूरा पश्चिम क्या होता है? पूरब जिधर से सूरज निकलता है, और पश्चिम जिधर सूरज डूबता है, इधर और उधर। मगर नबीला दीदी का दूल्हा दोनों तरफ कैसे देख सकता है? मैं दिखाती हूँ, ऐसे और ऐसे। एक गुण और भी है उसमें। वो क्या? हकला है। दीदी, हकला क्या होता है? वो ऐसे बोलता है, तात्या अपनी नबीला दीदी को। नबीला की अम्मी, शादी के लिए कपड़े लाया हूँ, भाभी के साथ बैठकर पसंद कर लेना, जो वापस करने होंगे मैं कर दूंगा। भाभी वो महादू है ना, जो जानवर चराने जंगल जाता है, वो कह रहा था उसने नीम के पेड़ के नीचे
उस योगी को बैठे देखा। अय्या, वो आ गया। अभी जाकर उसे लेके आती हूँ घर। मुझे मिले भगत। दादा, दादा, सलाम। बैजी बैजी, ये बैजी भाई कहाँ भागी जा रही है? अरे एक ही तो काम रह गया उसके पास पिछले 10-11 सालों से। जब भी ख्याल आता है तो चल देती है जंगल में उस योगी को ढूंढने। इसे नहीं मालूम क्या कि जैसे सांस गई वापस नहीं आती, वैसे गया योगी कभी वापस नहीं आता। दगड़ू? हाँ बैजी। तेरी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तू भी बहुत जल्दी योगी बन जाएगा। क्या बैजी, आपके साथ रहकर योगी बनने में फायदा नहीं है। योगी बनने में फायदा है, इलाज मुफ्त में हो जाएगा। हाँ छोड़, मुंह बंद रख, चल मुंह रख। बड़े भैया नहीं आए माँ। कब आएगा? बड़े भैया है कहाँ माँ? कहाँ बैठे तप कर रहे हैं वो? मुझे बताओ, मैं जाकर लाता हूँ उन्हें। पता नहीं कहाँ है वो। पंडेवा, जहाँ भी हो सुखी हो, सही सलामत हो। बाबा, आप घोड़ी पर क्यों नहीं बैठ जाते? इतनी दूर से चलते आ रहे हैं, थक गए होंगे। हम लोग सवारी नहीं करते पाटिल। तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं यहाँ चादर बिछा देता हूँ। नहीं पाटिल, बैठने का वक्त नहीं है, घर पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। कोई चिंता नहीं है बाबा, आप मेरे साथ हैं तो अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अबू से कहूंगा तो वो भी आप पर विश्वास करेंगे। आप रुक क्यों गए बाबा? पाटिल। जी बाबा। वादा करो मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, अपने अब्बा से भी नहीं। क्यों बाबा? इसकी वजह है, तुम अपने अब्बा से कहोगे, अब्बा किसी और से कहेंगे, फिर और से और बात फैलने में देर नहीं लगती। इससे लोगों का ध्यान शादी से हटकर मेरी तरफ हो जाएगा और शादी का मजा किरकिरा हो जाएगा। क्यों पाटिल, ठीक कह रहा हूं? जैसी आपकी मर्जी बाबा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, अपने अब्बू से भी नहीं। चलो। वैजी, वैजी, तात्या और उसकी माँ आ रहे हैं। राम राम राम, सचमुच पागल हो गई है बाईजा बाई। पागल हुई है तो उसको दवा क्यों नहीं देते वैजी? वीरू, पागलपन दूर करने की दवा मेरे पास नहीं है, समझे? अरे रोज रोज चली जाती है जंगल में उस योगी को ढूंढने, हैं? घंटों इंतजार करते हुए बैठी रहती है उस नीम के पेड़ के नीचे। हाँ बेटी, कभी कभी तो खाना लेकर भी जाती है उसके लिए। मानसिक संतुलन खो चुकी है और कुछ नहीं, समझे? हाँ। शुक्र करो कि अब तक उसने पत्थर मारना शुरू नहीं किया। बैजी, बैजी, वो आ गई, आ गई। राम राम राम, नमस्कार बाईजा बाई। हो गए दर्शन भगवान के? प्रसाद लाई। अरे मूर्खों, जंगलों में भटकने से अगर भगवान के दर्शन हो जाते तो गडेरिये तो हर रोज भगवान के दर्शन करते, क्यों? हाँ। तात्या,
तुम्हें तो एक बार मिला था ना तुम्हारा भैया, तुम्हारे साथ खेलने आया था, क्यों हैं? आज नहीं खेले तुम उसके साथ? हम खेले? मजाक उड़ा रहे हो हमारा? अरे राम राम भाईजा भाई, हम तो खुद भगवान के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। हमने सोचा कि तुम आज जंगल से लौटोगी तो तुम्हारे पीछे पीछे भगवान भी शिरडी में चले आएंगे। आएंगे वैद्य जी, एक न एक दिन भगवान को शिरडी में आना ही है। और वो जो ढोंगी यहाँ से 10 साल पहले गया था, वो कब आएगा भाईजा भाई? वो तेरा बेटा है? आएगा, वो जरूर आएगा। उसने अपनी माँ से वादा किया है, अपना वादा निभाने वो जरूर आएगा। आएगा, जरूर आएगा, अपनी माँ को वादा करने गया है। चलो माँ, हमें नबीला दीदी की शादी की तैयारियां भी करनी है। जाओ, 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 जाओ। बेचारी भाई जा भाई। चाहिए था हकीम जी, सलीम। हाँ बो। बोलने में तकलीफ हो रही है तो मत बोलो मियाँ। तेरी शादी देखो, अपनी जान की फिक्र नहीं है, सलीम की शादी की फिक्र है। धूप गांव के पाटिल का भांजा है वो, सारे धूप गांव पर राज करने वाली है हमारी बेटी नबीला। जबीन भाई साहब को नबीला का दहेज तो दिखा? दिखाना क्या है, सब कुछ सामने तो रखा है। लाने की है। बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया। ससुराल में जाकर सबका दिल जीत लेना बेटी। भूपगांव वालों में तेरे साथ साथ पूरी शिरडी का नाम रोशन हो जाए। लोग कहते हैं ना, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, इसे झूठ साबित कर देना, बेटी बनकर दिखाना। अजीब दस्तूर है दुनिया का नूर, बेटियों को जन्म हम दे, इन्हें पाल पोस कर बड़ा हम करें, और फिर एक दिन किसी गैर के हवाले कर दे। ये बेटियां पराई होती है, ये रिवाज किस पत्थर दिल ने बनाया है?
उस्मान चाचा, धूप गांव से कोई आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए तशरीफ रखिए। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं चांद भाई पाटिल के घर से आया हूँ। चांद भाई पाटिल घर पर नहीं, किसी काम से वो बाहर गए हुए हैं। अम्मी, मुझे उनकी बेगम सलमा आपा ने भेजा है। चांद पाटिल के अब्बा हुजूर को अचानक दिल का दौरा पड़ा, गुजारिश की है कि शादी को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर। शादी के मामले में उनके यहां कुछ न कुछ बुराई जरूर है। ये तीसरी बार सलीम की शादी पर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई। मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। ये क्या कह रहे थे उस्मान भाई? आखिर ये अपनी इज्जत का सवाल है? उन्हें सोचना चाहिए कि शादी मुकर्रर वक्त पर ना हो तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है, घर में कोई बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ा हो तो। बीमारी का तो बहाना भी हो सकता है। कहीं वो शादी टालना चाहते हो? नहीं नहीं, चांद पाटिल की बहुत इज्जत है उस इलाके में, और फिर क्यों टालेंगे वो? हाँ, हमारी नबीला में कमी है क्या? और फिर उनकी उम्मीद से ज्यादा दहेज दे रहे हैं उस्मान भाई। फिर भी मैं धूप गांव से पता करवाता हूँ हकीकत क्या है।